बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार बनी महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पे आवाज उठा के बीजेपी के साथ हाथ मिला के अपना सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, वो उप मुख्यमंत्री बने, डिप्यूटी सीएम बने। लेकिन शायद लोगों को, एसएसआरएन को, सुशांत के फैन को बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार बनते ही शायद सुशांत के केस में कुछ अपडेट्स आएगा या कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि केस मुंबई में हुआ था, मुंबई पुलिस के पास बहुत सारी चीजें होगी, और कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते ही बदल गए, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिले भी। लेकिन इन सब के बाद हुआ क्या, पिठानी कंप्लीटली बेल मिल गया उसको, कुछ 440 दिन शायद वो जेल में था, उसके बाद आज कल उसको बेल मिल गई, और रिया के फ्री होने के पूरे पूरे संकेत लॉयर्स के पास पहुंच चुके हैं कि ये रिया जल्दी ही फ्री होगी। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि 31 अक्टूबर के पहले रिया को क्लीन चिट मिलेगी और पिठानी को बेल मिल जाएगी, जो पिठानी को बेल मिल गई कल, और रिया जल्दी ही फ्री हो जाएगी। तो क्या इस सरकार को बनाने में जितना भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने मेहनत की, सीबीआई डिमांड की, मैंने पहले भी कहा था जैसे इनका काम खत्म होगा कंप्लीटली भूल जाएंगे सुशांत को, जैसे कि बॉलीवुड ने किया। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये बुरा हादसा हुआ, उसके बाद इमीडिएटली बिहार इलेक्शन थे, तो सुशांत के मुद्दे पे इन्होंने बिहार अपने साइड लिया, सुशांत के नाम को यूज करके उन्होंने महाराष्ट्र में एजेंसीज भेजी, और उन एजेंसीज को भेजने के बाद अनिल देशमुख, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये के करते 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 महाराष्ट्र की छवि शिवसेना की, और जिस तरह से उन्होंने, चलो एक अच्छा हुआ महाराष्ट्र साफ हुआ, शिवसेना से मुक्त हुआ, कांग्रेस मुक्त बहुत जरूरी था, लेकिन वो होने के बाद हमने ये सब क्यों किया सुशांत के इंसाफ के लिए। रिजल्ट क्या हुआ, सरकार बनते ही, सरकार काम होते ही दोनों फ्री हो गए, और हमें लगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे को वापस से जो विधायकों का नाम दिया जाता है, एमएलए का और उन सब का नाम दिया जाता है 14 लोगों का, उसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम दिया गया है, ये बोल के कि बाला साहेब ठाकरे के आप होते हो तो हमें बाला साहेब ठाकरे की इज्जत करनी है तो आपको मंत्री पद देना है। आदित्य ठाकरे सेम सीट पे रहेंगे शायद, उन्होंने जो प्रोटेस्ट जारी कराया था आदित्य ठाकरे ने कि गोरेगांव में एक कॉलोनी आरे कॉलोनी, वहां पे बहुत बड़ा जंगल है तो पर्यावरण वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण मंत्री थे वो पहले, तो मेरे कर्मों की सजा मुंबई जैसे सिटी को मत दो, पर्यावरण को मत दो, ये बोल के जो उन्होंने प्रोटेस्ट करना था वो प्रोटेस्ट उन्होंने कैंसिल किया, और उसके बाद उनको मंत्री पद मिला। ये पॉलिटिकली जो आल ढाल और इधर उधर चल रहा है, ये देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकार सुशांत के इंसाफ के लिए कुछ करने वाली। अब रही बात सीबीआई की, सीबीआई की अपडेट तो भूल जाओ, लेकिन हाँ सीबीआई जो भी अभी जो केस का रिजल्ट आने वाला है, क्लोजर रिपोर्ट जो भी देने वाली है, आपको पता है क्या देने वाली है, वो जल्दी ही मुझे लगता है 1-2 साल और लेगी और उसके बाद दे देगी, क्योंकि तब तक मामला काफी शांत हो चुका होगा। लेकिन ये होगा 2024 के इलेक्शन के बाद, 2024 का इलेक्शन खत्म होते ही बीजेपी कंप्लीट सरकार महाराष्ट्र और बिहार में बन जाएगी, उसके बाद, क्योंकि अब उनको दूसरा मुद्दा लगेगा, अब राजस्थान और पंजाब जो इनके हाथ में नहीं है वो हथियाने के लिए, वो लेने के लिए बेसिकली कोई और मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वहां सुशांत का काम नहीं चलेगा। तो सुशांत का मुद्दे के लेकर जिनका फायदा होना था पॉलिटिकली वो हो चुका है, उनका काम हो चुका है, अब उनको इस मुद्दे से कुछ मिलने वाला है नहीं। और अंदर की बात यह है कि बात करते हैं लोग, जाने वाला तो गया, जो जिंदा है उनका क्या, वो फिर क्रिमिनल ही क्यों ना हो लेकिन उनका क्या, क्योंकि सगे संबंधी एक दूसरे के। लेकिन फिर भी मैं आज ये कहता हूं कि महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे इंडिया में कांग्रेस तो बहुत ही बड़ी चोर है, लेकिन बाकी सारी पार्टियों से
अगर बेस्ट ही चुनना है तो फिर बीजेपी और कोई है ही नहीं। मैं कोई बीजेपी का चमचा नहीं, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि बीजेपी भी वही करेगी जो बाकी करते हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ा कम चोर है, थोड़ी कम ये करती है, कम भ्रष्टाचार कम करती है। भ्रष्टाचार तो होगा ही, वो इंडिया को कोई नहीं मिटा सकता भ्रष्टाचार से, लेकिन वो कम करे, क्योंकि मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, ये फडणवीस तो नाना फडणवीस के वंशज हैं, तो ये सब ना थोड़े से कम थोड़े कल्चर्ड है बाकी लोगों से। कांग्रेस के हाथ में देश जाने के बाद तो बर्बाद है इस देश, देश का कुछ नहीं हो सकता अगर कांग्रेस के हाथ में है तो, लेकिन जब तक बीजेपी के हाथ में है उम्मीद की जा सकती है यहाँ रहने की, यहाँ ठीक ठाक सांस लेके जिंदा रहने की उम्मीद की जा सकती है, कांग्रेस राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं। और एक बात और है कि जिस तरह से पिठानी रिहा फ्री हो रहे, आदित्य ठाकरे को मंत्री पद मिल गया, तो उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जनता से बड़ा कुछ भी नहीं। आज भी मैं कहता हूं पूरी तरह होप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट नहीं देती ये केस जिंदा है, और इसके लिए आज भी अगर वो वाला मुकाम आज है, अभी तक तो मैंने नहीं कहा लेकिन चलो मैं कहता हूं, अब किसान आंदोलन की तरह जैसे किसान आंदोलन को फंड किया गया था प्रॉपरली कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि एक किसान जो खाने पीने की वजह से उसको खाने को नहीं मिलता, उस वजह से अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उस वजह से बहुत सारे गलत काम करता है किसान, मतलब गलत काम मतलब अपने आप को फिनिश करता है, अपने आप को ये करता है, ये किसान की किसानों के जो काम ये होते हैं, उस वजह से वो क्या किसान एक साल तक भूख हड़ताल पे या उधर रह सकता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के? ये फंड किया गया हुआ किसान आंदोलन की तरह एक फंड किया गया हुआ, क्योंकि वो लोग सुशांत के फैन नॉर्मली लोग डंडे खाने के लिए, आगे जाने के लिए, भरने के लिए, ये करने के लिए वो नहीं करेंगे, क्योंकि सब नॉर्मल घर से है, परिवार वाले हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। लेकिन फंड किए हुए जो लोग, वो पर्टिकुलर लोग बनते ही प्रोटेस्ट के लिए, वो आते ही इसके लिए, घुस जाते हैं अंदर, डंडे खाते हैं, सर पे लाठी खाते हैं, ये करते हैं, खून बहता है, ये होता है, वो होता है, उसके बाद न्यूज बनती है, न्यूज बनने के बाद प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद इंसाफ मिलता है। वो इंसाफ के लिए आज वापिस से बोल रहा हूँ, कोई एक अच्छा लीडर चूज करो जो घुस जाए अंदर और सब कुछ करे, और उसको जो मैनेज भी कर सके चीजें, और उसको फंड करो और कर लो काम। मैं कह रहा हूं आज की टाइम नहीं गया, जिस दिन क्लोजर रिपोर्ट दे दिया सीबीआई के बाद कुछ नहीं है, सीबीआई के बाद खत्म। ऐसा देश में कोई कानून नहीं है कि आप एफबीआई को लॉन्च करोगे या ये करोगे। और सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बैकग्राउंड आज की डेट में और थोड़ा आवाज का शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मैं काफी जोर से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो ये कांच वाच सब रखे हुए हैं, लेकिन मैं एक्चुअली झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ अभी, तो यहाँ सब मैशअप है, इसलिए फिर भी ठीक ठाक सा एक दीवार देख के, तो आपको कुछ दिन के लिए शायद यही दीवार देखने को मिलेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलता। लेकिन अगर वीडियो अगर बंद हो जाए तो समझ जाना मेरी हालत खराब है, मैं एडमिट होना पड़ेगा मुझे, और इस तरह से आज की डेट में हालत है कि शायद एडमिट होना पड़ेगा तो कूपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कूपर ही एक ऐसा हॉस्पिटल है मुंबई में, मतलब मिनिमम आजू बाजू में नज़दीक में, जहाँ पे सिर्फ 30 रुपये देके आपको इलाज करते हैं, लेकिन कैसा इलाज करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कूपर का मतलब ऊपर, ये बहुत सारे ट्रेंड हुए हैं, लेकिन चलो जल्दी ही मेरे हिसाब से केस, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन केस को, सुशांत के केस को सॉल्व करने के लिए वाकई में बहुत जान जलती है, क्योंकि कल नींद नहीं आ रही थी, तो रात को मैंने पता नहीं सुशांत का नंबर, मेरे पास 3 नंबर है, तो उसमें से एक नंबर लेटेस्ट जो नंबर था उस पर कॉल कर दिया था, तो फ़ोन तो नहीं लगा, ऑफकोर्स फ़ोन नहीं लगेगा, लेकिन लगा ऐसा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो जब नेटवर्क में नहीं होते तो थोड़ी देर वेट करता है फ़ोन, और फिर बताता है क्या नंबर इज़ नॉट रीचेबल और नंबर अभी अवेलेबल नहीं है और ये सब चीज़ें, लेकिन जब थोड़ी देर वेट कर रहा तो मैं शायद लगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पता नहीं लगा कि शायद रिंग बज जाए और उठ जाए, उठा दे, लेकिन ये सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग हो सकती है, लेकिन अगर उसके लिए कुछ कर सकते हो तो सिर्फ 2 चीज़ें, उसकी चीज़ों को अपनाओ, जिस तरह से वो लोगों को मिलता था, जिस तरह से वो लोगों से प्यार करता था, जिस तरह से वो दुनिया में रहता था, जिस तरह से वो मदद करता था लोगों को, वैसा बनो, और दूसरी तरफ उसके इंसाफ के लिए अगर वाकई में कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि उसका इंसाफ सिर्फ उसका नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक क्रांति लाएगा,
देखो आपके लिए भी इंसाफ है, आपके जो बच्चे होंगे उनको भी उनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, ये समाज एक अच्छा बनेगा। इसके लिए भी सुशांत का इंसाफ जरूरी, वो तो ऊपर से देख ही रहा है, उसको तो अच्छा लगेगा ही। मैं जब जाऊंगा ऊपर, जब उसको मिलूंगा तो मैं तो खुशी से मिलूंगा, लेकिन क्या आप जाओगे ऊपर और उसको मिलोगे तो क्या खुशी से मिलोगे? क्या आपको वो तो चलो सबको खुशी से ही मिलेगा, लेकिन क्या आपको खुशी महसूस होगी? मुझे देख के तो उसको बहुत खुशी होगी, मुझे गारंटी है इस बात की। लेकिन इंसाफ बहुत जरूरी, अगर इंसाफ लेके मैं जाऊंगा ऊपर तो बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। चल बेटा तेरे लिए कम से कम मैं ये तो लाया, बाकी तो आपके हाथ में, मेरा तो ना बीवी है ना बच्चा है जिसके लिए मैं कुछ करूं, ना मेरा बच्चा है जिसके जो आगे जाके इस समाज में पलने वाला है, मैं किसके लिए करूं? लेकिन आपके तो है। क्या आप चाहते हो आपका कोई लड़का या लड़की किसी आर्टिस्ट बने, सिंगर बने, डांसर बने, कुछ भी हो और बॉलीवुड में आया, उसके साथ कुछ गलत हो, या समाज में भी पले, समाज में भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी काम करे, तो क्या उसके साथ गलत हो? तो इस समाज को अच्छा बनाने के लिए हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि वो इस न्याय की लड़ाई में लड़े, बाकी आपके हाथ में।